नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सीएससी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन लोग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे सीएससी आईडी को भी ब्लॉक कर दिया गया है और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा लेकर के वो ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और वो गवर्नमेंट के नज़र से बच जाएंगे, तो ऐसा अब नहीं हो सकता है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएँगे कि गवर्नमेंट उसका जो है कैसे देख रेख कर रही है और उसका वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है कि कौन सा सीएससी आईडी है जो वो कौन सा पैसा ले रहा है और कौन सा पैसा नहीं ले रहा है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले सीएससी के तरफ से एक जारी किया गया है एक नोटिफिकेशन, जहाँ पे आप देख सकते हैं वेलीगढ़, कृपया ध्यान दें, ई श्रम पंजीकरण करते समय दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर 500 से अधिक सीएससी को ब्लॉक कर दिया गया है, क्या आप इसका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ई श्रम कार्ड अगर निर्मित कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी भी श्रमिक का, तो इतना बातों का ध्यान रखें, जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और जो भी उसका गाइडलाइन है उसका पूरा एकदम पालन करें। अगर आप इस चीज़ को पालन नहीं करते हैं तो आपका सीएससी भी आईडी हमेशा के लिए भी बंद किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है या जो एक तरह से नियम है उसको पहले हम आपको बता दें। पंजीकरण करते समय केवल लाभार्थी के मोबाइल नंबर से नंबर को दर्ज करें, एक मोबाइल नंबर से अधिक 3 पंजीकरण किया जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी श्रमिक आ रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर उसके पास मोबाइल नंबर नहीं अवेलेबल रह रहा है तो किसी का भी मोबाइल नंबर लेकर के वो रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ई श्रम पंजीकरण करते समय निःशुल्क करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हमें श्रमिक से नहीं लेना है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों पर जांच में ये पड़ताल में पता चला है कि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी वसूल रहे हैं श्रमिकों से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है इस पर एकदम पैनी नज़र बनाई हुई है अपनी, क्योंकि ये बहुत ही ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही इसको ज़ोर शोर से गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और इसको रजिस्ट्रेशन को रख रही है और एक वैली के लिए एक नया कमीशन का एक जरिया बना हुआ है और कमाने का जरिया बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा ले करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो वो सीएससी है क्या कर रही है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस मोबाइल नंबर से कस्टमर के पास एक वेरिफिकेशन कर रही है कि क्या उनके पास ई श्रम कार्ड बनाते समय उनसे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया गया है। अगर ऐसा उनको सूचना मिलता है तो तुरंत वो क्या करेंगे कि जो आपका सीएससी आईडी है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो इसको आप ज़रूर ध्यान दें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या कर रहे हैं कि लाभार्थी का नॉमिनी का जो ब्यौरा है वो दर्ज नहीं कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बना पाएँ। तो आप ऐसा गलती ना करें, नॉमिनी का नाम जरूर डालें, उनके जो भी है लड़के का नाम डालें, उनके वाइफ का नाम डालें, हस्बैंड का नाम डालें, आप उसको फुल फिलअप जरूर करें, जो भी उसमें प्रोसेस दिया हुआ है एक्चुअल में आप उसमें डिटेल को फिलअप करें। तो ये छोटा सा डिटेल था सीएससी के तरफ से जो भी जारी किया गया है और जो भी प्रोसेस है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आप इस चैनल पर पहली आ रहे हैं और सीएससी से रिलेटिव अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।